हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गुजरात के बड़ोदरा से एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। तो ये किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर वैलिडेशन लगाना है। और किस तरह का वैलिडेशन लगाना है, तो ये देखिए, यहाँ पर जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर ये डेटा बेस प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली फील्ड प्रॉपर्टी में ही जाके वैलिडेशन तो लगाया जाता है, लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स की बात होगी, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, और कबड्डी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा खो खो हो गया। तो जो भी खेल हैं उनमें से केवल दो या तीन ही स्पोर्ट्स इन्हें चाहिए वैलिडेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट एंड करके ही लिखना पड़ेगा, दूसरा तो कोई वे है नहीं, ठीक है, तो एंड करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख दिया FOOT फुटबॉल, तो ये लिख दिया। तो अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि क्रिकेट एंड फुटबॉल लिख देने से ये दोनों ही वैलिडेशन एक्सेप्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट और फुटबॉल लिख दिया, इसके अलावा कोई दूसरा ना एंटर हो, तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो नेम ऑफ प्लेयर्स में तो आपको स्वतंत्रता है, कोई भी लिख दीजिए आप। जैसे यहाँ पर लिख दिया राजेश, तो एक नाम राजेश लिख दिया, और फिर यहाँ पर क्रिकेट लिखता हूँ CRICKET, तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। ये देखिए, ये वैलिडेशन रूल के चलते ये आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी। सिर्फ आप एक वैलिडेशन लगा सकते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको क्लोज करते वक्त ये आएगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से जाके इसको डिजाइन व्यू पे लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा ना, ये यही तो था, तो यहाँ पे एक ही वैलिडेशन दिया जा सकता है, सारे वैलिडेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको फिर ये थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े। ये लीजिए, देखिए क्रिकेट एंड फुटबॉल नहीं लिख सकते आप केवल क्रिकेट लिख सकते हैं, यानी एक ही का वैलिडेशन दे सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब जाएंगे तो अब एक वैलिडेशन एक्सेप्ट कर जाएगा, तो खाली आपको क्रिकेट लिखने की अनुमति देगा। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे लिख दिया मोहन, और यहाँ पे स्पोर्ट का नाम लिख दिया क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, तो ये क्रिकेट एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन क्रिकेट के सिवाय कोई दूसरा नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया सोहन प्लेयर का नाम, और यहाँ पे क्रिकेट के सिवाय अगर हम फुटबॉल लिखते हैं तो यहाँ ये इसका पोस्ट करेगा कि फुटबॉल आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एक ही वैलिडेशन दे सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। दो वैलिडेशन तीन वैलिडेशन अगर आपको देना है 2007 के अंदर तो कहाँ से दे सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो इसके लिए हमें बनानी होगी एक क्वेरी। क्या बनानी होगी? क्वेरी। कैसे बनाएंगे वो क्वेरी? तो देखिए क्वेरी बनाने के लिए अब आपको पहले तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो क्रिकेट हमने वैलिडेशन दिया यहाँ पे देने का अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि दो या तीन वैलिडेशन हमें देने हैं तो यहाँ पर नहीं दिया जा सकता अभी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, एक क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे आए। क्वेरी डिजाइन पे जाने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर और भी नाम हमने फिल कर लिए, जैसे क्रिकेट के अलावा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो, कैरम है, और नाम भी फिल कर लिए हैं, बाकी ये तो ऑटो नंबर आता रहता है। अब यहाँ से वापस चलते हैं क्रिएट पर और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, तो ये क्वेरी डिजाइन आ गया। अब ये देखिए, ये क्वेरी डिजाइन है आपकी, और यहाँ पे स्पोर्ट दे प्रेफर, ये दोनों ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, क्रिकेट लिखा CRICKET क्रिकेट, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या किया और लगाया, और यहाँ पे कर दिया फुटबॉल, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब इसको अगर हम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि क्रिकेट और फुटबॉल वाले ही केवल आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला ही जो भी है आपका वो आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये रानी और विष्णु, ये खो खो के हैं और ये कैरम के हैं, तो ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना। क्रिकेट और फुटबॉल ही केवल इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। अब मान लीजिए तीन, अगर इसमें स्पोर्ट्स की बात करी जाए, तीन स्पोर्ट्स की, तो कैसे इसमें करेंगे? तो फिर यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल, यहाँ पे फिर यहाँ पे कर दीजिए और वॉलीबॉल, तो यहाँ पे लिखिए VOLLY BALL, ठीक है। क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल हो गया, और यहाँ से इसको रन करवाइए, तो जैसे रन करवाएंगे ना तो जिनका वॉलीबॉल होगा उनका आ जाएगा, जिनका क्रिकेट होगा उनका आ जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का इसमें नहीं शो होगा नाम। यहाँ पे नाम शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पर भी ये ब्लैंक है, यानी दो लोग ऐसे हैं हमारे टेबल में जो लोग क्रिकेट फुटबॉल या वॉलीबॉल को छोड़ करके कोई और चीज के प्लेयर हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एक बार, तो यहाँ देखिए मोहन जो है क्रिकेट के हैं, सोहन फुटबॉल के हैं, राजू
वॉलीबॉल के, लेकिन यहाँ पे विष्णु कैरम के है तो कैरम यहाँ पे नहीं आया हुआ है, और खोखो की रानी है तो रानी का भी नाम यहाँ पे नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे ना तो खोखो दिया गया ना तो रानी का नाम दिया गया, बाकी सारे लोगों का यहाँ पे नाम आपको मिल जाता है। ये बड़ा आसान है, आसानी से आप कर लेंगे, अगर आपको क्वेरी बनाने को दी जाती है तो आसानी से करके दिखा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।